यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है जानना कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डेवलप करते हैं। मान लीजिए कि दो एटम हैं हीलियम के, अब दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है हीलियम का मूव करेगा यहाँ और दूसरे हीलियम एटम का इलेक्ट्रॉन इस साइड, तो यहाँ पे पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव आएगा और इन दोनों के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टेम्प्रोरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा जिसको लंदन फोर्स कहा जाता है। तो ये टेम्प्रोरी फोर्स है जो कहीं भी किसी भी चीज़ में डेवलप कर सकता है, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो। तो यहाँ पे देखिए तीसरा पॉइंट, इट इज़ बिलीव दैट एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ मॉलिक्यूल मे गेट डिस्टोर्टेड सो दैट एन इंस्टेंटेनियस और मोमेंट्री डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड। वही बात है जो हमने समझाया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है किसी टाइम में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, एक एटम का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है दूसरे एटम के न्यूक्लियस से, तो उनके बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोमेंट्री डेवलप करते हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, और मोमेंट्री डाइपोल इज प्रोड्यूस्ड इन विच वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल गेट स्लाइटली मोर निगेटिव देन द रेस्ट। तो वही हमने समझाया आपको, एक पार्ट जो है वो स्लाइटली मोर निगेटिव हो जाता है, स्लाइटली मोर निगेटिव हो जाता है, दूसरा पार्ट एक एटम का स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, उन दोनों के बीच जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करते हैं। दिस मोमेंट्री डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इन द नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो इस तरह से मोमेंट्री डाइपोल डेवलप करता है नेबरिंग मॉलिक्यूल एटम पे। दस द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आयन बिटवीन द इंड्यूस्ड मोमेंट्री डाइपोल आर कॉल्ड लंदन और डिस्पर्शन फोर्स। तो अब देख लीजिए कि दो हीलियम का एटम है, दोनों बीच में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके चारों तरफ हैं, दो पहला हीलियम का एटम दूसरा हीलियम का एटम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते दूसरे एटम का चला आया राइट हैंड साइड, और इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड न्यूक्लियस है, इसका राइट हैंड साइड न्यूक्लियस, इसका लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच टेम्प्रोरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करेगा जिसको लंदन फोर्स कहा जाएगा। तो मोमेंट्री डाइपोल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर ही रहा है, एक मोमेंट आया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया दूसरे एटम के फ्रंट में और उसका न्यूक्लियस स्लाइटली उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ और उनके बीच न्यूक्लियस के द्वारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे लगा और एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप किया। फिर जब इलेक्ट्रॉन वापस से मूव करेगा अपने ऑर्बिट शेल में तो ये ब्रेक कर जाते हैं। तो ऑल मॉलिक्यूल्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, लंदन फोर्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो याद रहे कि लंदन फोर्स किसी भी मॉलिक्यूल में डेवलप कर सकता है, चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, क्योंकि ये टेम्प्रोरी है, इंड्यूस्ड है, मोमेंट किसी मोमेंट के लिए है। इट ऑपरेट ओनली ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटे दूरी में जो है ये काम करते हैं। फॉर इट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी वेरी क्लोज फॉर फोर्सेस टू हैव इफेक्ट। तो अब यहाँ पे दूसरी बात ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज होने चाहिए, तभी ये फोर्स काम करेगा वरना नहीं करेगा। दस इफ डिस्टेंस गेट डबल एनर्जी डिक्रीजेज। अब जैसे ही डिस्टेंस डबल हो जाएगा इसका एनर्जी क्या होगा, घट जाएगा और जो है ये फोर्स काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये भी है कि 6 गुना घट जाता है अगर डिस्टेंस बढ़ता है, 64 टाइम्स। एज एनर्जी ऑफ इंट्रैक्शन वेरीज एज 1/r^6। अब मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स किस बात पे डिपेंड करेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स डिपेंड करता है 2 बातों पे। पहला है साइज या कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा लंदन फोर्स भी बढ़ता जाता है। अब आप जानते हैं ग्रुप 14 में कौन सा एटम्स आता है, तो ग्रुप 14 जिसको कार्बन फैमिली भी कहा जाता है उसमें कौन कौन आता है, तो का सी जे सन पब। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें तो CH4, SiH4, GH4, इस तरह से ये बनता जाएगा। तो अब कोई पूछे कि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा, CH4 में, SiH4 में या GH4 में, तो साइज किसका बड़ा है। अब H तो सेम है जबकि डाउन द ग्रुप जानते हैं कि साइज बढ़ता है, तो G का साइज सबसे बड़ा होगा। तो याद रखिए जैस डाउन द ग्रुप जाने पे डाइपोल ये डिस्पर्शन फोर्स जो है वो बढ़ेगा,
जी एच फोर के मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन फोर्स होगा और सी एच फोर में सबसे कम। अब यहाँ देखिए, लार्जर और कम्प्लेक्स आर द मॉलिक्यूल, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लंदन फोर्स। अब यहाँ देखिए, मीथेन है, SiH4 है, सीलेन है और GeH4 जर्मेन है, तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्शन फोर्स जो है वो है लंदन फोर्स जो है वो GeH4 में है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो है वो भी सबसे ज़्यादा है 183 केल्विन, जबकि मीथेन का सबसे कम 112 केल्विन है, क्योंकि इसका कार्बन का साइज छोटा है, जर्मेनियम का साइज बड़ा है। तो लंदन फोर्स मैग्नीट्यूड साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। अब आ जाएं उसी तरह से, सेकेंड जो फैक्टर है जिस पे लंदन फोर्स मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है वो है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। एज इफ देयर इज मोर साइट फॉर इंट्रैक्शन द मॉलिक्यूल विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द इंटायर लेंथ ऑफ द मॉलिक्यूल, दस हेंस विल बी मोर लंदन फोर्स। अब कहने का मतलब ज्योमेट्री साइज कैसा है, कितना साइट ऑफ इंट्रैक्शन, जितना मोर साइट ऑफ इंट्रैक्शन होगा उतना लंदन फोर्स ज़्यादा होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन और नियो पेंटेन का। अब नॉर्मल पेंटेन क्या है, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, और नियो की बात करें तो तीन कार्बन स्ट्रेट चेन में, ऊपर नीचे बीच वाले से आपके दो कार्बन लगा हुआ। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कितने साइट ऑफ इंट्रैक्शन है, तो यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे तो है ही नहीं, चारों ब्लॉक है, जबकि यहाँ पे साइट ऑफ इंट्रैक्शन क्योंकि ये फुल्ली ओपन है, लार्ज सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, एक एटम का दूसरे एटम से ज़्यादा होगा। तो उस वजह कर यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का वजह है क्योंकि मोर सरफेस एरिया है, जबकि यहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो घट गया क्योंकि चारों बॉन्ड जो है वो इसके आपके ब्लॉक्ड हो गए, यहाँ पे लेस सरफेस एरिया है। तो इसी बात को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन का 36.2 डिग्री सेल्सियस है, जबकि नियो पेंटेन का 9.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये कौन सा फैक्टर है जो इसको अफेक्ट कर रहा है, तो वो है लंदन फोर्स। अब यहाँ पे मोर साइट ऑफ इंट्रैक्शन है नॉर्मल पेंटेन में, इसीलिए लंदन फोर्स ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, जबकि नियो पेंटेन में लेस साइट ऑफ इंट्रैक्शन है, लंदन फोर्स घट गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं छठे और अंतिम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पे, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड शुरू करने से पहले आपको जानना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, कौन कौन से एटम हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा, हाइड्रोजन एटम के साथ, और मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो है वही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले तीन एटम है ऑक्सीजन, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन आपका। अब इन दोनों के बीच, चाहे वो हाइड्रोजन हो और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन, तो इनके बीच जो इंट्रैक्शन होगा उससे जो बॉन्ड बनेगा उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखिए हमेशा कौन बनाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसको थ्री ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजिकल फंक्शंस में, बायोमॉलिक्यूल्स में, प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड हो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब देखते हैं इसमें है क्या है। अब इसको देखिए, स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, तो अब ये भी एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन का, फॉर्म इन द हाई पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे आप बतला चुके N और H के बीच, O और H के बीच, F और H के बीच जो बॉन्ड होंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, आर प्रेजेंट अलोंग विद क्लोरीन इन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्लोरीन भी कुछ हद तक बना सकता है, लेकिन क्लोरीन को कंसिडर नहीं करते। हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी वेरीज फ्रॉम 10 to 100 किलो जूल पर मोल, तो पर मोल में इसका एनर्जी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 10 किलो जूल बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी लग सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को 100 किलो जूल भी लग सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी, तो ये वेरी करते हैं, विच इज़ ए क्वाइट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है एनर्जी का, सो इट इज़ ए पावरफुल फोर्स इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेनी कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर
डिटरमाइन करने में, उसके प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाई कोलम्बिक इंट्रैक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो अब देख रहे हैं कि एच एफ का दो एटम है, दो मॉलिक्यूल है एच और एफ, फिर दूसरा एच और एफ, तो एफ और एच के बीच में फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, एच पे डेल्टा पॉजिटिव, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा जिसको थ्री ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे। फिर आगे बढ़ते हुए मॉलिक्यूल्स ऑल्सो एग्जर्ट रिपल्शन फोर्स ऑन वन अनदर व्हेन टू मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट क्लोज टू रिपल्शन क्लोजर द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू मॉलिक्यूल कम्स। दिस इज द रीजन फॉर कंप्रेशन, फॉर कंप्रेशन इज बींग हार्ड इन लिक्विड एंड सॉलिड एज रेजिस्टेंट फर्दर रिपल्शन एज रेजिस्ट फर्दर रिपल्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोर्सेस जो काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लिक्विड और सॉलिड में। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी लिस्ट है और वो कंप्लीट टाइटली पैक्ड हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन जो है वो लिस्ट है और वो रेजिस्ट करते हैं रिपल्शन को।